सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे देश में जितने पढ़े लिखे लोग हैं इनको बहुत ज्यादा गलत फहमियां। क्या गलत फहमी है वो समझिएगा। ज्यादा पढ़े लिखे जो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं ना, IIT इत्यादि में जो बच्चे हैं जो बहुत आगे जाना चाहते हैं, लगभग उन बच्चों को, उन लड़कों को, उन लड़कियों को बहुत सारे संदेह होते हैं, डाउट्स होते हैं भगवान को लेकर। वो लोग भगवान पे गलत आरोप लगाते हैं। पहला आरोप वो कहते हैं कि भगवान सबसे प्रार्थनाएं क्यों करवाता है, स्तुतियां क्यों करवाता, तुम हमारे मंदिर आते रहोगे तो काम बनता रहेगा, नहीं आओगे बिगाड़ दूंगा। भगवान क्या ऐसे हैं? ना, भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमारे मंदिर आया करो, भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमारी प्रार्थना किया करो, भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम आओ ही आओ माला जपो, भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमें मिठाई खवाओ, फूल चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ, ना, ये सब भगवान नहीं। भगवान कहते हैं यदि तुम दे सकते हो तो आप सत्य का साथ दीजिए, सत्य के रास्ते पर चलिए, दया करिए, सब पर दया का भाव रखिए और सत्य के रास्ते पर चलते रहिए। जो सत्य के रास्ते पर चलने वाला है, जिसके हृदय में सबके लिए दया भाव है, उसे कभी मंदिर नहीं जाना पड़ता। मंदिर में बैठे गोविंद स्वयं चलकर उसके पास चले जाते हैं जो सत्य के रास्ते पर चलता है। सत्य भगवान ने कभी नहीं कहा तो मंदिर आओ, भगवान ने यह कहा है कि मातृदेव, अपनी मां को भगवान मानकर सेवा करो। आप मंदिर मत आओ, अपनी मां को भगवान मान लो और मां की सेवा करो, मां को खूब प्रसन्न रखो, भगवान खुश हो जाएंगे। अब उदाहरण समझिएगा, आपने कभी पंडरपुर जी का नाम सुना होगा, पंडरपुर सुना हो, विट्ठलनाथ जी का नाम सुना होगा। महाराष्ट्र में पंडरपुर है जहां विट्ठलनाथ जी विराजे हैं। विट्ठलनाथ जी कौन है? वहां पुंडलीक नाम के एक बेटा हुआ है। देखना, भगवान कभी नहीं कहते कि तुम मेरे पास आओ, भगवान कहते हैं तुम सच्चे के रास्ते पर चलो, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा। शबरी कहां गई थी? राम जी के पास। बताओ, शबरी राम के पास गई कि राम शबरी के पास गए? जोर से, केवट राम जी के पास गए कि राम जी केवट के पास गए? सुग्रीव राम के पास गए कि राम जी सुग्रीव के पास गए? भक्ति करने वाले को भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम। आप भगवान से प्रेम कीजिए, ओनली लव। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। भगवान से प्रेम किया जाए। अब आप कहें कि चलो जी हम प्रेम क्यों करें भगवान से, चलो वो भी मत करो, तो आप भगवान से नहीं तो अपनी माँ से तो कर सकते हैं, अपने पिता से तो प्रेम कर सकते हैं, आप संसार के लोगों से ही तो प्रेम से दो बातें। भाई आपके द्वार पे कोई आ गया, भूखा हूं प्यासा हूं, तो क्या प्रेम से दो बातें उससे नहीं कर सकते? यही प्रेम तो चाहिए। आप गौरी गोपाल आश्रम आते हैं, मैं आप लोगों को कौन सा रुपया पैसा देता हूं? प्रेम से आपको कथा सुनाता हूं, प्रेम से यहां आप लोगों को गौरी गोपाल जी का प्रसाद मिलता है। प्रेम ही लेने आते हैं, प्रेम ही लेकर जाते हैं। कोई आप लोग धन दौलत लेने थोड़ी आते हैं। हम लोग किसी के शादी विवाह में जाते हैं तो कोई पैसा लेने थोड़ी जाते हैं। अरे प्यार ही तो है ना, उसके प्यार ने हमें बुलाया, उसने प्यार से दो बातें कर ली, खुश चलो, गए थे समय निकाले, उसने प्यार दिया है, प्यार से कहा है, सम्मान दिया है। ये प्रेम, आप लोग किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे। एक पत्नी को पति से प्रेम चाहिए, एक पति को पत्नी से प्रेम चाहिए, एक बच्चे को, एक छोटे छोटे बच्चों को भी ना माँ बाप का प्यार चाहिए। बच्चे बाप के पास कम रहते हैं, माँ के पास ज्यादा रहते हैं। कारण क्या है?
माँ से प्यार ज्यादा मिलता है, बाप से प्यार कम मिलता है, हाँ या ना? तो जहां प्रेम है वहां बच्चे हैं, उसी तरह जिसके हृदय में प्रेम है उसके पास भगवान है। भगवान के लिए तीर्थ यात्रा खोज करने नहीं जाना, वहां भगवान मिलेंगे, यहां भगवान मिलेंगे। क्या वहां भगवान? ना, प्रेम है तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। कुंडलीक नाम के एक भक्त हुए हैं, उन्होंने अपने माँ बाप की खूब सेवा की है, वो भगवान को जानते ही नहीं थे। माँ और बाप की इतनी सेवा की कि एक दिन उनका दर्शन करने स्वयं द्वारिकाधीश पहुंचे और कमर में जब हाथ रख के खड़े हुए कि बेटा, मैंने तेरी माँ बाप की सेवा से प्रसन्न होके तुझसे मिलने आया हूँ, तो कुंडलीक ने कहा अंदर आ जाइए। कुंडलीक ने कहा अंदर आ जाइए। अच्छा, मैं अंदर नहीं आ सकता, तो फिर वहीं एक ईंट फेंक दी, इस पे खड़े हो जाइए, माँ बाप सो जाएंगे, फिर मैं सेवा करके आऊंगा। भगवान इंतजार करते रहे और जब माँ बाप सो गए तब कुंडलीक जी जा करके भगवान से मिलते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। तब तक भगवान कमर में हाथ रख के इंतजार करते रहे, आज भी भगवान कमर में हाथ रख के खड़े हैं। भगवान ने कहा पुत्र, तुमने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की कि मुझे तुमने बुला लिया, कुछ वरदान मांग लो। कुंडलीक ने कहा, कुंडलीक जी ने कहा कि आप यही वरदान दो कि बस आप यूं ही यहां सदा खड़े रहे और आने वाले लोगों को अपना यूं दर्शन दे के उन्हें कृतार्थ करते रहे। तब से आज तक विट्ठल भगवान यूं ही खड़े हैं कमर में हाथ रख के। बोली विट्ठल भगवान की, विट्ठल नाथ जी की। तो भगवान को चलकर जाना पड़ा, भगवान थोड़ी कहते तुम आओ, प्रेम करो, सिर्फ प्रेम, जहां हो वहीं से जुड़े रहो भगवान से, मेवा मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं। भगवान कहते नहीं कि तुम हमें कुछ दो। अच्छा, आप भगवान को क्या दे सकते हैं? आपके पास क्या है? जिनके चरण लक्ष्मी जी दबा रही हो, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबा रही हो, उन्हें आप लोग क्या देंगे? क्या है आपके पास? क्या हैसियत है हमारी? इसलिए ये मत कहा करो कि हमने कुछ दिया है। आप तो इंसानों की सेवा कर लो, इसी से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान तो आपको ये कहते हैं कि जीव मात्र की सेवा करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है माताओं की। आप सभी अन्य क्षेत्र का दर्शन करते हैं क्योंकि इसी सेवा में ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान तुम्हारे हमारे रूप में ही मिलेंगे जब मिलेंगे। भगवान को, भगवान पे बड़े आरोप लगाते हैं लोग, जानते ही नहीं और आरोप लगाते हैं, गलत सुन सुन के आरोप लगाते हैं। भगवान भगवान है सर, कोई चाहत नहीं है उनकी। एक सज्जन बोले हम भगवान की पूजा क्यों करें, भगवान हमें क्या देते हैं? अभी कोरोना काल में एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने का बिका है? 5,000, 10,000, 50,000 का भी सिलेंडर बिका है, हाँ या ना? कोरोना काल में एक सिलेंडर, उसमें गैस कितनी होती, ऑक्सीजन कितना होता उसमें? ये मान के चलो कि 8 घंटे का ऑक्सीजन होता है, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे का, क्यों लगभग और ज्यादा कम होता हो डॉक्टर जाने में जानता नहीं, ज्यादा लगभग 8-10 घंटे का ऑक्सीजन होता होगा उसमें, और क्या, और मानो तो 15 घंटे का होता होगा भाई, और क्या होगा? क्यों जी, आप में से किसी को जानकारी हो तो बता दो हमें, क्यों मैया? एक सिलेंडर 50,000, चलो मैं 50,000 नहीं, मैं 5,000 भी सामान्य रेट रखूं एक सिलेंडर ऑक्सीजन का, और होता है 12 घंटे का, 12 घंटे की ऑक्सीजन 5,000 की मानक है ना। जब से आप लोगों ने जन्म लिया है तब से आज तक आप लोगों ने बिना सिलेंडर के ऑक्सीजन ली है। अब 5,000 रुपए 12 घंटे के हिसाब से जोड़ लो, आज तक भगवान की कितनी ऑक्सीजन आपने ली है? इसके बदले क्या उसके थैंक यू भी नहीं कर सकते हम? क्या हाथ जोड़ के उसे नमस्कार भी नहीं कर सकते? यदि इतना भी ना किए तो फिर तुम्हारे जैसा नमक हराम कौन होगा?
ये तो नमक हरामी हो गई। एक सज्जन बोले, हम भगवान की पूजा क्यों करें, हम भगवान को क्यों माने? अरे पगले, भगवान का ब्रह्मांड है, ये सब उन्हीं की खा पी रहे हैं। किसान खेत में बीज तो बो सकता है, अंकुरित भगवान ही करते हैं, ना करें तो क्या कर लोगे? खाद डालते रहो, पानी डालते रहो, क्या होगा? कौन है देने वाला? ना बरसाए, एक साल पानी नहीं बरसता ना, शहर में राज्य में सूखा घोषित हो जाता है। जानते हैं किसी राज्य में पानी ना गिरने से, सूखा होने से कितना बड़ा नुकसान होता है? एक साल पानी ना गिरे, हाहाकार मच जाता है। कौन है, कौन बरसा रहा है पानी? किसके बाप दादे बरसा रहे हैं पानी? भगवान ही ये व्यवस्था संभाले हैं, जिस परमात्मा के द्वारा ये सृष्टि संचालित होती है। एक सज्जन बोले, मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा, क्यों? बोले, भाई ये सृष्टि अपने ढंग से चलती है। मैंने कहा, ना साइंटिफिक में बात कर रहा हूं, बताइए ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? बोल दो जोर से, साइंस की भाषा में बात करिए थोड़ी देर। यदि ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई है? यदि ये बुक है, पुस्तक है, तो इसे बनाने वाला कोई है? यदि 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 कोई भी वस्तु है, ये पांडाल है, तो इसे बनाने वाला कोई है? ये कैमरा है, ये मोबाइल है, तो कोई बनाने वाला वस्तु है, तो बनाने वाला कोई होगा? उसी तरह जब ये संसार है तो इस संसार को बनाने वाला कोई तो होगा। उसी कोई का नाम भगवान है, उसी को अलग भाषा में गॉड कहते हैं, उसी को साइंस की भाषा में एनर्जी कहते हैं। उससे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? एनर्जी। हमारी भाषा में उसे ईश्वर कहते हैं। सबकी अपनी अपनी भाषाएं बोलने का ढंग अलग अलग हो सकता है, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट, पर मान रहा है कि कोई तो है जो सृष्टि को संचालित कर रहा। यदि सृष्टि को संचालित ना करता तो समय से सब कैसे होता? क्यों जी? एक चीज बताइएगा, कभी आपने नोटिस की एक चीज? सड़क के किनारे देखो, किसी पानी तो 12 महीने आजकल बरसता है, कभी कभी पानी बरस जाता है, हर 2-4 महीने में पानी बरस जाता, सही है? एक बात बताइएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पानी तो कभी भी बरस सकता है, यदि ना बरसे तो आप चला दो। सड़क के किनारे जो बारिश में, जब बारिश का पानी, आषाढ़ सावन का पानी बरसता है, तो आपने देखा होगा सड़क के किनारे बहुत सारे झाड़ झंकाड़ खड़े हो जाते हैं, छोटे 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 होते वो झाड़ झंकाड़, वो कचरा कोई बोने तो जाता नहीं है। बारिश का पानी पड़ते ही सड़क के किनारे किनारे आपने देखा होगा हरियाली हो जाती है। आप एक काम करना कि आप चैत्र के महीने में, अप्रैल के महीने में आप पानी चलाना सड़क के किनारे। कितना पानी चला देना, पूरी सड़क का किनारा गीला कर देना, लेकिन आपके पानी चलाने से वो बीज अंकुरित नहीं होगा। वो बीज कब अंकुरित होता? सड़क के किनारे जो घास पैदा होती है, जो बरसाती घास कहलाती है, बारिश की घास होती है, उसमें बारिश के सीजन के अतिरिक्त कितना भी पानी डाल दो, वो पानी से पैदा नहीं होती, वो सीजन से पैदा होती, वो अपने समय से पैदा होती। उस घास के बीज को भी पता है कि अभी मेरा सीजन नहीं है, अभी मुझे अंकुरित नहीं होना, भले पानी की नमी मिल गई, तभी अंकुरित होगा जब उसका सीजन आएगा। कौन है? इस बीज को कैसे पता कि मेरा सीजन नहीं है? इस बीज को कैसे पता कि मेरा सीजन आ गया? कौन है भाई? उस बीज के अंदर भी घुसा कौन बैठा है, जिसने उसके अंदर अंकुरित क्षमता पैदा कर रखी है? चलो, पीपल, पीपल का पेड़ कितना बड़ा होता है आप सब जानते हैं, पर पीपल का दाना कितना बड़ा होता है? बीज, पीपल का बीज कितना बड़ा होता है? चींटी के मुंह बराबर। पीपल का दाना, पीपल का बीज कितना बड़ा होता है? चींटी के मुंह बराबर। इतने से बीज में इतना विशाल पीपल छिपा हुआ है, वृक्ष छिपा हुआ। और प्लानिंग देखो,
ईश्वर की, उस बीज के अंदर ने ईश्वर ने ऐसा सब भर रखा है कि जब वो बीज पीपल का पेड़ बनेगा, जब पतझड़ का समय होगा तब ही पत्ते झड़ेंगे। हर समय पत्ते नहीं झड़ते पेड़ों के, सूखते कब हैं, सूखने का एक समय होता है। पेड़ पौधों को कैसे पता कि अभी हमारे पतझड़ का समय, अभी पेड़ पौधों की डालियां उनके पत्ते बिल्कुल हरे भरे हैं, पर अब देखना जब होली का समय आता है लगभग पतझड़ तब चालू हो जाता है। क्यों जी सही नहीं, नहीं, फिर पत्ते आने लग जाते हैं। चैत्र के महीने में पतझड़ चालू हो जाता है और आधे चैत्र तक पतझड़ होके पत्तियां भी आने लग जाती। कैसे पता कि हमारा महीना आ गया झड़ने का? दिसंबर में नहीं झड़ते, जनवरी में नहीं झड़ते, कैसे पता कि ये नया साल आ गया, नए साल में पेड़ में नई नई पत्तियां आती हैं? कैसे पता, कौन है बताने वाला? अरे कोई तो है, तब तो उस परमात्मा के भय से ये सारी चीजें व्यवस्थित तो हो रही हैं, वरना सारी अव्यवस्था ना हो जाए। इसलिए ईश्वर को मानिए कि वो एक एनर्जी है, एक परमात्मा हम सबके भीतर सदा के लिए विद्यमान है। अब देखिए, एक पिता के द्वारा जब मां गर्भवती होती है तो पिता के द्वारा मां के गर्भ में पानी ही तो जाता है, पानी की कुछ बूंदों से एक इंसान बनता है। कौन है बनाने वाला साहब, कौन है बनाने वाला? आज इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, तुम क्यों नहीं बना लेते खुद से बच्चे? बना लो, बच्चे पैदा कर लो, क्या जरूरत है बाप की और क्या जरूरत है मां की, तुम तो साइंटिस्ट हो, बच्चे पैदा करने लग जाओ। बिना मां के, बिना बाप के, बिना मां बाप के संयोग के बच्चे पैदा नहीं हो सकते। पानी की, जल की कुछ बूंदों से इंसान तैयार होता है। कौन तैयार कर रहा है? क्या बिना तैयार किए हो गए? आपकी आंखें, कोई तो होगा जो लगाने गया होगा, बिना लगाए कहीं भी लग जाती, यहां की आंख यहां लग जाती। इसलिए आपको जिसने बनाया है वही परमात्मा है, और उसी परमात्मा को धन्यवाद के तौर पर हम उसका प्रणाम करते हैं कि हे विधाता, आपने इतनी ऑक्सीजन दी है, आप, हम आपको प्रणाम भी नहीं करते फिर भी आप हमारे लिए सब करते हैं। अरे कुछ ना करो तो धन्यवाद तो होता, अरे हमें कोई एक गिलास पानी पिलाए तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों जी, हम किसी का एक गिलास पानी पी लें तो हम उसका थैंक यू बोलते हैं, और जिस परमात्मा ने हमें 100 साल की जिंदगानी देकर भेजा, स्वस्थ शरीर दिया, आंख दी, कान दिया, सुंदर शरीर दिया, हम उसको धन्यवाद ना देकर कहें कि भगवान तो है ही नहीं, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? हम उसी की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें कि तुम ही नहीं हो। वाह, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। हम लोग घर में बिजली जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, टीवी चलाते हैं ना, तो बिल देना पड़ता है। क्यों जी, घर में आप लोग लाइट जलाते हैं, बिल आता है? पर सूर्य भगवान रोज आके हमारे पूरी, पूरे भारत को, पूरे घर को, पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं। आपने सूर्य के प्रकाश का कितना बिल दिया, कितना टैक्स दिया? कुछ नहीं। अरे बिल नहीं दे सकते सूर्य भगवान को, तो लोटा भर जल चढ़ा के सूर्य भगवान को धन्यवाद दे दिया करो, हे सूर्य भगवान आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपने हमें इतना कुछ दिया, हमारे जीवन को रोशनी से भर दिया, प्रकाश दिया है आपने हमें। और क्या साइंस है हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाया जाता है? जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ना, तो सवेरे की जो किरणें सूर्य भगवान की हम पर पड़ती हैं, विटामिन डी तो मिलता है, पर जो जल, समझिए साइंस समझिएगा, जब पानी की धार गिरती है तो पानी से छन करके जो सूर्य भगवान की किरण हमारे शरीर पर पड़ती हैं, उसी को कहते हैं इंद्रधनुष। समझते हैं साइंस की भाषा में?
पानी से होकर के जब सूर्य भगवान की किरणें गुजरती हैं तो वह अनेक रंगों की हो जाती हैं। कभी कभी बारिश के बाद इंद्रधनुष भी आप लोग देखते हैं ऊपर। तो जो पानी की धार गिर रही है, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं हम लोग, उस जल से जो छन करके सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ता है, वह एक सेकेंड का भी प्रकाश हमारी बॉडी पर पड़ गया तो बहुत बड़ी औषधि होती है वो। इतनी बड़ी साइंटिफिक बात हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाते रहे ना, आपको वो एनर्जी प्राप्त होती रहे। साइंस है हर चीज में, इसलिए शास्त्रों में सम्मान श्रद्धा की भावना रखनी चाहिए। इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। आप पढ़ जाएं, बड़े बड़े पदों पर जाइए, कोई मनाही थोड़ी है। आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए और बड़े पद पर जाइए, खूब सेवा कीजिए देश की। पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप बड़े पद पर चले गए, पढ़ लिख गए, अब भगवान को नहीं मानेंगे, आप ही भगवान बन जाएंगे, ये तो अज्ञानता होगी। अज्ञानी नहीं बनना, नास्तिक नहीं बनना,